मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हमारे पास काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बीजेपी के पास कुछ नहीं है और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें गालियां देती नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि वो एक अलग चरण में आज अपने कैंपेन को लेकर जा रहे हैं, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, केजरीवाल के पार्षद यानी वो तो पूरी तरह से मान रहे हैं कि नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं बधाई देना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी को कि आज उन्होंने केजरीवाल जी को दिल्ली का मेयर पद का प्रत्याशी चुन दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार एमसीडी, मतलब केजरीवाल की सरकार बनेगी तो मेयर भी शायद उनकी पार्टी का केजरीवाल साहब ही होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी की सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, उनको मुबारक। लेकिन दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री रहते हों अरविंद केजरीवाल साहब, तो उनको पता होगी एमसीडी ने क्या क्या काम किए। मैं पांच काम गिनवा देता हूँ। आप वो तो कहते ना एक काम गिनवा दो, मैं तो पांच काम गिनवा रहा हूँ आपको, उसके बाद तो लाइन में आपको दिख कर सकता हूँ। पहला, जब आप घर में घुसे हुए थे ना कोरोना के टाइम पे, यही एमसीडी के कर्मचारी आपके घरों का कूड़ा उठा के सफाई कर रहे थे। ये था एमसीडी की उपलब्धि। दूसरा, आप कहते हो कि 2226 टिपर ऑटो टिपर आपको नजर नहीं आएंगे जो आपके घरों का कूड़ा उठाती है रोज सुबह और शाम, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली में रहते नहीं हो। दिल्ली के अंदर 446 ढलाव मुक्त कर दिए, जो पहले ढलाव हुआ करते थे कूड़े के ढलाव, आपके घरों के पास से मुक्त कर दिए। वो एमसीडी की सरकार ने किया है, वाजपेयी की सरकार ने किया, आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आप दिल्ली में रहते नहीं है। कभी आप दिल्ली में रहो तो भारत दर्शन पार्क और वंडर पार्क होके आइए, देख के आइए कितना खूबसूरत पार्क बनाया है। दिल्ली में रहोगे तो पता लगेगा ना। लेकिन एक बात तो दिल्ली में रहते हो तो जो जिम लगाए हैं पार्कों के अंदर वो आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपने राजनीति करनी है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र मृत्यु और जन्म का किसी कोई बनवाता है तो एमसीडी बनाती है और वो ऑनलाइन करती है, ये काम आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति छोड़िए, स्थान चुन लीजिए, समय चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हरीश खुराना आपको चैलेंज कर रहा है, आपने जो दिल्ली के काम किए वो आप गिनवा दीजिएगा, मैंने जो एमसीडी में काम किए मैं गिनवा दूंगा, मंच आपका। लेकिन एक बात तो दिख रही है, जैसे जैसे एमसीडी चुनाव पास आ रहा है आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति चेंज की, अब वो काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप खुलासों की तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत काम किए उन्होंने, मैं तो मानता हूँ। दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बनाई तो अरविंद केजरीवाल साहब ने बनाई, बधाई हो दिल्ली, बहुत बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल साहब आपने। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के नए मानक सेट किए हैं, चाहे वो शराब का कांड हो, चाहे हवाला हो, चाहे वो स्कूल के कमरों का हो, चाहे तमाम वसूली हो, ये सब मानक सेट किए हैं अरविंद केजरीवाल साहब आपने किए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं आपने। दिल्ली को यमुना की अगर सफाई हो गई है तो किसने की है? अरविंद केजरीवाल साहब आपने की है, बधाई हो आपको। ये काम ऐसे हैं, मैं आपको काम गिनवाऊंगा ना, आप आइए ना, मैं तो मंच आपको चुनौती दे रहा हूँ, मंच आपका, समय आपका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको मैं चुनौती देके, आप बताइए कहाँ मैं हूँ आपसे बहस करने के लिए। बिल्कुल, तो चुनौती के साथ बीजेपी का रिएक्शन और साथ ही साथ अब देखना होगा कि 7 दिसंबर को किसके मुद्दे वोट बैंक में ज्यादा तब्दील होते हैं। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।